2016 में अगस्त में जो है वो मुलाकात हुई थी। तो कैसा आपका टाइम चल रहा है आजकल क्वारंटीन में? फैमिली ठीक ठाक है? सब सही है? जी शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। और थोड़ा मुश्किल टाइम था स्टार्ट में, बट शुक्र है अल्लाह के कि अब बेहतर हो गए हैं हालात, और प्रैक्टिस भी चल रही है साथ में। और अच्छा, जबरदस्त। तो प्रैक्टिस अभी ऑन योर ओन ही कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं अपने घर के पास ही, मेरे इधर वहां में क्रिकेट ग्राउंड है, ओवल क्रिकेट ग्राउंड, तो मैं रेगुलर सुबह जो मॉर्निंग में है वो वहां पे जाके नेट सेशन कर लेती हूँ, देन इवनिंग में अच्छा मैं अपना जो है जिम सेशन कर लेती हूँ अच्छा अच्छा ओके ओके। घर तो में। मैं सही है, तो हर चीज घर में हो रही है। मैं वेट कर रही हाँ थी कि अच्छा लोग हमें जो है वो ज्वाइन कर लें। आपको कोई हाय आलिया मैडम, लव फ्रॉम इंडिया कह रहे हैं। आलिया, आपको लव फ्रॉम इंडिया जी, आया थैंक यू। है। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं, आलिया रियाज हमारे साथ हैं, हमारी पाकिस्तान की प्राइड, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम की हमारी प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह। 2014 के अंदर जो है इनका डेब्यू हुआ था, और सिर्फ थोड़ी सी अगर मैं आपको उनकी बातें बताऊं तो ये माशाल्लाह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2018 में हमारी लीडिंग विकेट टेकर थी। 6 डिसमिसल्स इन्होंने लिए थे 4 मैचेस में। और 2009 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है शी वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। इन्होंने 71 रन्स किए ऑफ ऑफ 82 बॉल्स, और 2 इन्होंने विकेट्स भी ली, 4 छक्के और 6 चौके इन्होंने मारे माशाल्लाह, और जो है वो टाई हो गया था मैच। तो और फिर यूएसए में 42 बॉल्स के ऊपर इन्होंने 104 रन्स किए थे। तो हमारी बड़ी स्टार जो है वो ऑलराउंडर है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आलिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू आपका। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और व्यूअर्स जो हैं वो साथ साथ आलिया हमारे साथ हैं, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स, और अगर कोई आपको सवाल करना है आलिया से तो आप प्लीज इस पे लिख देना, हम साथ साथ जो हैं वो पूछते रहेंगे। और जैसे कि कुछ जो हैं व्यूअर्स हमें रोज ज्वाइन कर रहे हैं या मोस्टली ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो नए आए उनको बताने के लिए कि ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड, जो किताब आई थी 4 साल पहले विमेन्स क्रिकेट टीम के ऊपर, तो उसकी एनिवर्सरी थी। तो उसको एक हमने बहाना यूज करते हुए सोचा कि अपने प्यारे प्लेयर्स को बुलाया जाए और उनसे गपशप की जाए और उनसे उनकी जो है वो स्टोरीज सुनी जाए, ताकि आप सभी उनसे मिल सके। ठीक है जी। और अगस्त इज अ स्पेशल मंथ, लोग हमें क्या, इरम ने भी हमें ज्वाइन किया है, कवल ने हमें ज्वाइन किया है, कीप अप द गुड वर्क आलिया रियाज, वर्किंग हार्ड। ओके जी आलिया, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मुझे ये बताएं आप वाह कैंट से हैं और अभी भी आप कह रही है मैं उधर हूँ, राइट? तो उधर पली बनी है आप? जी बिल्कुल, जो मेरा स्टार्ट था वो यहाँ वहाँ से ही था, क्योंकि अच्छा जो बचपन में भाइयों के साथ खेलती थी, बाय स्ट्रीट क्रिकेट मैंने काफी खेली है, शौक अच्छा था मुझे बहुत। स्कूल में क्रिकेट नहीं थी, बट मैं बाकी गेम्स खेलती थी स्कूल में, और बेस्ट एथलीट भी मैं रही हूँ 3 साल कंसेकटिव। माशाल्लाह और तो ये था, और जब मेरे कॉलेज में, जब मैं गई इस्लामाबाद, देन वहाँ से मुझे कह लेंगे क्रिकेट मैंने कॉलेज में स्टार्ट की, और फिर मैंने रावलपिंडी से रीजन से ट्रायल्स दी अंडर 19 के, उसके लिए मेरी ओके okay. सिलेक्शन हुई, तो देन अच्छा इस तरह से क्रिकेट आगे। आगे बढ़ी। अच्छा, तो पहले मुझे थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं। आपके फादर जो है वो आर्मी में थे, आर्मी में हैं वो? नहीं, वो पीएफ में थे, बट वो अच्छा आर्मी में नहीं था, वो पीएफ में, मेरे फादर जो है वो पीएफ में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, मैं काफी अच्छा टाइम ओके हो अच्छा गया था। अच्छा और जो है, जो मेरी पैदाइश है वो वाकेंड की है, और यहीं पे मेरी स्कूलिंग है, एंड देन फिर मैं कॉलेज इस्लामाबाद चली गई थी, और इस्लामाबाद से देन मैं लाहौर आ गई थी। ओके और कितने बहन भाई हैं, और आप कौन से नंबर पे हैं? जी मेरे 3 भाई हैं, और हम लोग 4 बहनें हैं, और जो तीनों भाई हैं वो चारों बहनों से बड़े हैं, और अच्छा मुझसे भी बड़ी माशाल्लाह, एक मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, एंड मुझसे छोटी जो है वो 2 हैं, तो मेरा जो नंबर है वो 5th है।
अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑल राइट ओके। तो कैसा रिलेशनशिप था बहन भाइयों के साथ, और स्पोर्ट्स का खाली आप ही आई उसकी तरफ, या कहीं अंदर बहन भाइयों में भी इंस्पिरेशन थी? जी बिल्कुल, भाई मेरे खेलते थे, दोनों क्रिकेट खेलते थे, और एक भाई जो है वो मेरा अभी भी क्लब में बैडमिंटन खेलता है, और जो मेरी अच्छा सिस्टर्स हैं उन्हें शौक था, स्कूलिंग में उन्होंने भी कह लें कि बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेला है उन्होंने, और अवार्ड्स भी, नया शौक था शुरू से बचपन से। और मेरी तो है, आपने बताया कि आप सिलेक्शन हुई अंडर 19 आपकी, उस से आप आगे आई, लेकिन ये कब सोचा कि भाई ये खेलते खेलते जो है भाइयों के साथ खेल रही थी, फिर कॉलेज में खेला, स्कूल में आपके लिए नहीं खेला, कॉलेज में खेला, तो ये डिजायर कि जी मैं अब पाकिस्तान के लिए खेलूं, ये कब आई जहन में? ये जब मैं स्कूल टाइम पे थी, स्कूल में थी, तब जब मैं भाइयों के साथ बाहर खेलती थी, तो मैं उन्हीं के दोस्तों के साथ, वो काफी बड़े होते थे लड़के मुझसे, मैं खेलती थी, तो शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता था, बट बाद में मैं अच्छा खेलने शुरू हो गई, तो जो मेरे भाई के फ्रेंड्स ही थे और वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, वो मुझे बोलते थे कि ये तरह की है कि ये खेल सकती है ना आगे पाकिस्तान, तो तब से मेरे माइंड में वो बातें आई हुई थी, और मुझे शौक भी बहुत था क्रिकेट का, तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था, क्रेज था, तो तब से ही मेरे माइंड में था कि मैं जहाँ पे भी स्कूलिंग में क्रिकेट होगी या कहीं कॉलेज में होगी या कहीं पे भी टूर्नामेंट होगा, तो मुझे जहाँ पे भी पता चलेगा तो मैं ट्रायल्स देने जाऊंगी, तो अच्छा वहीं से था, 7th 8th क्लास से मेरे माइंड में था कि मुझे ओके। ना बनना है क्रिकेट। और आपको थ्रू आउट विमेन्स क्रिकेट टीम का पता था या फर्स्ट टाइम का पता चला था? अपना तो नहीं खेलती थी मुझे, आप क्रिकेट? जी, मुझे वुमेन्स क्रिकेट टीम का बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था जब 2010 में एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जो पाकिस्तान की जीत टीम थी के आए हमारी, थे बिल्कुल जी। हाँ जी, जीती थी, और निदा डार ने उसमें आई थिंक 100 किया था, और टीवी में काफी बता रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी देख के। उस टाइम मैं स्कूल में आई थिंक 8th क्लास में थी या 9th में, कुछ ऐसे ही थी मैं, 8th क्लास में थी आई थिंक, और तब मैंने देखा था कि मई निदा ने 100 किया है और लड़कियां जीती हैं, एशियन गेम्स जीती हैं, तो मुझे मुझे खुशी भी हुई थी उनको देखकर, और बड़ा वो भी हुआ था कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी जाना है, तो वहां से मुझे पता चला था कि वुमेन्स क्रिकेट टीम है, और मैं बहुत खुश थी उनको देख के। जबरदस्त। तो ये 2010 में ही मैंने भी ये जो है प्रोजेक्ट उसी एशियन गेम्स के जीतने के बाद जो है वो उठाया था, और सबसे पहले बल्कि कराची में शूट किया था, और उस वक्त अब वो कायनात नैन आबदी ये जो है हमारी जवेरिया, और उसके अलावा जवेरिया, हाँ कांता, हाँ अच्छा अस्मानिया, कांता से मेरी मुलाकात नहीं हुई भी, कांता जो है वो उस वक्त कांता से मेरी संभावनिया, मासूमा जुनेद, ये चार लोग थे जो सबसे पहले मैंने शूट किए थे इनको किया। अच्छा, हाँ इनको मेरे ख्याल मैंने अपने, मैं ये भूल गई हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं क्रिकेट ग्राउंड में गई थी या इनको शूट के लिए बुलाया था अपने स्टूडियो में, मैं उस वक्त इंडस में थी जहाँ एज ए थीसिस ये शुरू किया था, तो वो है जो तस्वीरें फिर वो थी इंडोर जो पोर्ट्रेट्स ली थी स्टूडियो सेटिंग में, वो कभी फिर बुक में वो नहीं आई, बिकॉज वो जब आप करते हो दोबारा से सिलेक्शन तो फिर वो वाले मैंने नहीं एस्पेक्ट लेकर आई। और एक बतूल फातिमा थी वो जी जी भी विकेट जो कीपर, बिल्कुल विकेट कीपर जो थी, वो उनके साथ भी वहां से शुरू हुआ था। आपसे मेरी मुलाकात 2016 के अंदर फिर हुई थी, आप 14 में आपने ज्वाइन किया, बिल्कुल ठीक। तो ये तो आलिया फिर बड़ी एक अच्छी बात थी कि आपको रोल मॉडल्स थे ऑलरेडी, यानी आप जैसे कह रही हैं कि शौक तो आपको था, लेकिन जब आपको पता चला कि विमेन्स क्रिकेट, तो विमेन्स क्रिकेट में किससे इंस्पिरेशन ज्यादा मिली? निदा का आपने जिक्र किया, बट उनको फिर फॉलो करना शुरू किया 2010 के बाद? मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पिरेशन मिली है वो सनाबाजी से और बिस्मा से और निदा से, इवन